कि झारखंड में जो बात चल रही है पत्थर घड़े को लेकर, जिसको देशद्रोही कहते हैं, अब ये तो बड़ी सरप्राइज बात है, आश्चर्यचकित करने वाली बात है। पत्थर घड़ी का मतलब ये होता है कि भाई संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए हैं, मूलभूत अधिकारों के जो क्लाज है वो क्लाज उस पर लिखते हैं कि भाई ये राइट जो है आपको किस शेड्यूल में मिली। अब ये कहना कि गुना है, इस बात को समझना पड़ेगा, ये इस बात को समझना पड़ेगा कि इस देश में क्या चल रहा है। एक तरफ हम तो ये कहते हैं कि हमारा भारत देश दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश, बड़े गर्व के साथ कहते हैं, लेकिन यही बात को समझना पड़ेगा कि गर्चे बोलोगे हमारे में जो बच्चे लोग हैं 25-25 लोगों को शुभ करवा, जो शादी में सिर्फ होने के लिए गए ये लोग तो सुकमा में आगे अब ये बात चल रही है, हमारे 15 बच्चे को जिसके हाथ में कुछ नहीं उसको शुभ करवाए। जब देखते हैं ये सारी तस्वीरें तो हम ढूंढते हैं भारत में कि हमारा लोकतंत्र कहाँ, किस गली में छुपा हुआ है। इस बात को समझना पड़ेगा। आदिवासियों के साथ शुरू से, जब से आज़ादी मिली तब से षड्यंत्र के तहत खत्म कर देती है, जिसको अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया बोलते हैं वो क्या शेड्यूल, आज का नहीं है, 5वां और 6वां परिषद जिसको बोला जाता है वो संविधान बनने के बाद डाला गया है, वैसा ही नहीं है। इस देश में जो अंग्रेजों का राज था इस इतिहास को आपको समझना पड़ेगा, उस आंदोलन को समझना पड़ेगा, आदिवासी के संस्कृति को समझना पड़ेगा, तब आपको लोकतंत्र क्या है ये समझ में आएगा। लोकतंत्र की बुनियाद जो है ये आदिवासी के संस्कृति में धुली हुई मिली हुई, जिसको आप आज का देश जो देख रहे हैं, हम समाज में दलितों में, आदिवासियों में, ओबीसी में कोई किसी का नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। और ये बात तो नहीं, क्योंकि मैं पेशा कानून पे बोलने वाला हूँ, पेशा कानून यानी एक ऐसा षड्यंत्र है जिसकी समझ में नहीं आया जब तक कि आप शेड्यूल एरिया को नहीं समझ पाए, शेड्यूल एरिया के राइट्स को नहीं समझ पाओगे तब तक शेड्यूल एरिया और पेशा कायदा क्या है ये समझ। दूसरी एक बात, जब ये सब्जेक्ट है आपने अपने कार्यक्रम में एजेंडा में लिया है, इसलिए मैं ये बात करना चाहूँगा। समता के केस देखो आप, समता के केस में क्या हुआ था, कौन से राइट शेड्यूल एरिया में सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे कि भाई इस देश की जो जमीन है, इस देश का जो जल है, जंगल है, इस पर किसका है, किसका राइट है जो हजारों सालों से जंगलों में रहा है, वो कभी जंगलों से बाहर नहीं आया। लोकतंत्र जिस बुनियाद पर हम चर्चा कर पा रहे हैं, इस लोकतंत्र में वो आदमी जो जंगलों में रह रहा है वो कभी जंगलों से बाहर आज तक नहीं आया, मुख्य धारा में कभी मिला हुआ। तो आप कौन से लोकतंत्र की बात करते हैं। और एक बात और सुन लो, आदिवासी से संबंधित जो जितनी भी बातें हैं, वो जितनी बातें हैं वो इस देश के अर्थकारण से, इस देश के इतिहास से और उस समय के वसाहतवाद जिसको बोलते हैं उपनिवेशवाद, उससे जुड़ा। आप देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में जो बातें हो रही है भूमि अधिग्रहण के लिए, तो आप थोड़ा सा इतिहास आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, लेकिन पेशा कायदा जो है कि हमारे किस परिस्थिति में आया, बहुत सारे लोग, मैं 10 साल से 2000 से सुन रहा हूँ, 2000 साल से 2000 जो वर्ष था उस समय से मैं सुन रहा हूँ कि पेशा कायदा कानून लागू, तो क्यों लागू करो किसी ने नहीं पूछा, किन परिस्थितियों में पेशा कानून लागू हुआ किसी को नहीं पता,
क्या हुआ था पैसा कानून लागू होने के लिए, आपको 73 की घटना को दोस्तों को समझना पड़ेगा, पंचायत राज अधिनियम को समझना पड़ेगा आपको। 73 की घटना दुरुस्ती हुई और पंचायत राज अधिनियम लागू करवा दिया। पंचायत राज अधिनियम का मतलब क्या है कि जो संविधान में 243 में जितने भी प्रावधान दिए गए हैं, पंचायती उपवंश जिसको बोला जाता है, वो पंचायत राज से जुड़ा हुआ है। पंचायत राज का एक दूसरा मतलब हुआ, 73 में घटना दुरुस्ती करके ग्राम सभा को बहुत सारे अधिकार दिए गए। पहले ग्राम सभा को पैसे डायरेक्ट नहीं दिए जाते थे, वो थ्रू एजेंसी के मार्फत गांव तक आते थे, लेकिन पंचायत राज अधिनियम के तहत ये सारी चीजें हुई। अब पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ और वो पंचायत राज अधिनियम कहाँ लागू करवाया, बाकी स्टेट ने सारे इसमें लागू तो करवा दिए लेकिन सेंट्रल एरिया पे लागू करवाया। अब इस देश का कानून व्यवस्था देखिए, इस देश का स्टेट और स्टेट की व्यवस्था देखिए कि मन मुझे तो पता नहीं लगता कि ये देश संविधान के तहत चल रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता। उनको पता है या नहीं है कि भाई पंचायत अनुबंध जो है, जिसको उपबंध बोला जाता है, एक्ट बोला जाता है, वो अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होते। 243 ग में ये कहा गया है कि पंचायत उपबंध में जितने भी प्रोविजन दिए गए हैं वो प्रोविजन अनुसूचित क्षेत्र पर लागू करके, झारखंड क्षेत्र की ही बात है। बिहार सरकार ने पंचायत राज अधिनियम लागू किया और राज्य के झारखंड अनुसूचित क्षेत्र में लागू, ये बात को समझना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। और जब अनुसूचित क्षेत्र पर लागू करवा दिया तो पिटीशन हाईकोर्ट गई, और पिटीशन में ये कहा गया है कि भाई ये जो पंचायत राज अधिनियम जो है वो जो अनुसूचित क्षेत्र पर लागू करवा दिया है, जरा 243 जो है पढ़ के देखो, में कहा गया है कि इस और जो प्रोविजन है ये प्रोविजन अनुसूचित क्षेत्र पर पंचायत उपबंध लागू नहीं होते, क्लियर लिख दिया है और आपने लागू करवा दिया है। इसका प्रथम अनुसूचित क्षेत्र की हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तो अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत उपबंध लागू नहीं होते, इसका मतलब ये है कि राजकीय जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होती, क्रियान्वित नहीं होती। इसका मतलब यह है कि अनुसूचित क्षेत्र में जिसको ग्राम सभा ग्राम पंचायत बोला जाता है, ये संस्था हम खड़ी नहीं कर सकते, स्थापित नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है, बाबा साहब को भी पढ़ो आप, खंड 2 में बाबा साहब ने क्या 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 कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनकी मान जो पॉलिटिकल जो जिसको क्या बोला जाता है कि मानस है अपना राजनीतिक जो समझ है वो समझ विकसित नहीं हुई। ये 1919 के एक्ट में भी बोला गया है, 1935 के भी एक्ट में बोला गया है। और दूसरा प्रौढ़ मताधिकार का जो सवाल खड़ा था तो बाबा साहब को डॉक्टर हट्टन ने समझा दिया था। बाबा साहब का कहना था कि प्रौढ़ मताधिकार का अधिकार अनुसूचित क्षेत्र के जो आदिवासी लोग हैं उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए, तो डॉक्टर हट्टन ने यही बोला था। साइमन कमीशन ने भी यही बोला था, मार्टिन के चेंज बोर्ड ने भी यही बोला था कि एक क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं इनकी राजनीतिक समझ विकसित नहीं हुई, इसलिए सामान्य जो प्रशासन है उससे दूर रहकर इसका डेवलपमेंट करो, उसको प्रोटेक्शन दो और उनको इतना विकसित करो ताकि ये मुख्य प्रहार में शामिल हो। ये सवाल था, लेकिन यहाँ इतनी बदमाशी हो गई, अनुसूचित क्षेत्र यानी सामान्य क्षेत्र नहीं, इस बात को समझना पड़ेगा। संसाधनों से लैस है, संसाधनों से अनुसूचित क्षेत्र लैस है। 70% जो खनिज, 70 या 80% जो खनिज है वो सिर्फ एरिया के, आपको पता होगा
1991 में जातिकरण वैश्वीकरण की जो नीतियाँ चली है और उसी दरमियान समता के केस है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ की जल जमीन जंगल है तो कोई भी गैर आदिवासी जो है उसको लीज पर नहीं दिया, कंपनियां उसको भी लीज पर नहीं दिया जा सकता, उसकी सेलिब्रेट भी नहीं हो जा सकती। ये जब बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कही, निर्णय में कही, तो ये सत्य में आ गए। सत्य में इसलिए आ गए कि जो वैश्विक नीतियाँ है वो अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं हो सकती थी। मित्रों इस बात को भी समझना, मैं ज़्यादा अंदर तक डिटेल तक नहीं जाऊँगा, इसलिए हमने एक डॉक्यूमेंट भी ऐसे इस तरह से निकाला, ऐसी बात नहीं करते। फिफ्थ शेड्यूल फॉरेस्ट एक्ट पर भी हमने डॉक्यूमेंट और किताबें भी निकाली। ये प्रॉब्लम क्या है आदिवासियों को समझ में, इस बात को समझना पड़ेगा। और शेड्यूल एरिया में सबसे 1976 में एक बात ऐसी करी, जब ट्राइबल सब प्लान लागू करवाया दिया था और ट्राइबल सब प्लान लागू करने के बाद शेड्यूल एरिया का विस्तार जो है सीमा एक ऊपर है। सीमाएं बढ़ाने का कारण क्या था, क्या नाम छूस लगाया था उसमें, बहुत खतरनाक और बहुत सारी चीजें, और शासन का ने जान बूझ कर लगाया कि ताकि शेड्यूल एरिया कमजोर हो। इस बात को कोई लोग समझते, कोई लोग नहीं समझते। शेड्यूल एरिया को कमजोर करना ये भारत सरकार की नीति, क्योंकि उनको पता था, शुरू में ही पता था कि जब औद्योगिकरण इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी देश में चली तो सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी अड़चन जो आए तो शेड्यूल एरिया, लेकिन बात बताया नहीं है, उनकी चर्चा नहीं की गई। बीच बताए उन्होंने अपने एक्शन शुरू करवा दिए और क्या किया, अनुसूचित क्षेत्र में, सर मेरे पास इसका डॉक्यूमेंट भी है। अब क्या किया उन्होंने, उन्होंने किया एक नाम छोड़ कि भाई शेड्यूल एरिया, क्योंकि बहुत सारी जो ट्राइबल सप्लाई है बहुत बड़ा जो महत्वाकांक्षी योजना है और सारे भारत में लागू है, जहाँ जहाँ शेड्यूल है, जहाँ जहाँ शेड्यूल एरिया है वहाँ वहाँ ट्राइबल सब प्लान है। और इतनी बड़ी योजना अगर करते हैं तो 1950 में जो डिक्लेयर हुआ अनुसूचित क्षेत्र वो छोटा सा, इसका जो फायदा है वो फायदा सारे आदिवासियों को मिलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार करवाया। अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार करवाया तो नाम क्या लगाए, नाम से ये लगाए है, दो मिनट लास्ट ये कन्फर्म ये करवा देता कि ताकि शेड्यूल जो पेशा कायदा लागू फिर करवाया गया, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। नाम ये रखा कि भाई ऐसी तहसीलें, जिस तहसील में आदिवासी की जनसंख्या 50% या उससे ज़्यादा है, पूरा नाम लिखित डॉक्यूमेंट है और सरकार मेरा नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसे तहसीलें जिस तहसीलों में जो आदिवासी की जो जनसंख्या है वो 50% या उससे ज़्यादा है, वैश्विक क्षेत्र किसी बोला जाता है जहाँ पे आदिवासी की लोकसंख्या ज़्यादा है, आदिवासी बहुत क्षेत्र है उसको बहुत क्षेत्र बोला जाता है, उसको अनुसूचित क्षेत्र बोला जाता है, उसको शेड्यूल एरिया बोला जाता है। इस बात को समझना पड़ेगा, लागू करवाया और शेड्यूल एरिया का विस्तार कर, इसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि आदिवासी माइनॉरिटी में गए और गैर आदिवासी जो है उसका, मेरे पास जो महाराष्ट्र का जो कोई है जो मैंने इसका डेटा निकाला 2011 का डेटा है, ये उसमें एक डेटा है, ये कहता है कि महाराष्ट्र में 50 ऐसी तहसीलें जो अनुसूचित क्षेत्र में आई जिसका विस्तार जो है 45,353 है, 5,809 गांव हैं, 36 जो टाउन जिसको बोला जाता है टाउन है, और जो पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन 142 लाख है, मतलब क्या 1,42,00,000। तो आदिवासी की लोकसंख्या कितनी होनी चाहिए, 70-80% होनी चाहिए शेड्यूल एरिया, कितनी है 51% यानी 36%। आज जो नाम जो उस वक्त 1976 में लागू करवाया था आज वो नाम लागू ही नहीं होता। हम ट्राइबल सब प्लान लागू करवा रहे हैं, उनका योजना लोगों तक पहुँचा रहे हैं,
उसका अंदाजा क्या हुआ कि उसका फायदा जो है वो फायदा नहीं मिला। और ये जो बात पॉपुलेशन का इम्बैलेंस जो हुआ है, वो बैलेंस इम्बैलेंस जब सुप्रीम हाईकोर्ट ने ये बताया कि आपने जो ये जो अनुसूचित क्षेत्र पर जो ये लगाया है तुम्हारा पंचायत भवन जो है पंचायत राज जो नियम अधिनियम है वो जो लागू करवा को गलत है, इसका मतलब क्या प्रॉब्लम तैयार हो गया राजू? अनुसूचित क्षेत्र में पहले ये बात को समझ लो कि अनुसूचित क्षेत्र में पॉपुलेशन जो है गैर आदिवासियों का ज़्यादा है, 60-70% पॉपुलेशन जो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी पॉलिटिकल जो प्रोसेस है प्रक्रिया है वो शुरू नहीं किया जाता है तो मताधिकार जो है करोड़ मताधिकार की समस्या खड़ी होगी कि नहीं होगी। आदिवासी के बारे में तो सब स्वनिर्धारण के जो ऑटोनॉमस के पावर है राइट्स है वो तो मिल ही गए, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाला गैर आदिवासी है उसके बारे में सोचो जरा, प्रौढ़ मताधिकार का सवाल खड़ा हुआ कि नहीं हुआ? अगर इसमें अमेंडमेंट अगर नहीं किया जाता तो क्या आप उसको प्रौढ़ मताधिकार से वंचित रखा गया जाता? नहीं, इसकी भी चर्चा नहीं हुई। दिलीप सिंह भूरिया की कमेटी बैठाई, बी डी शर्मा ने इसका प्रस्ताव बनाया और चुपचाप लागू करवाया, उसमें भी बदमाशी की जो फ्लोर आई थी उसमें क्लास डाला गया भूमि अधिग्रहण का, और भूमि अधिग्रहण का क्लास डालते समय ग्राम सभा को किसी भी प्रकार की कंसेंट जो है कंसेंट का अधिकार नहीं दिया गया। और आज जो शेड्यूल एरिया में जो भूमि अधिग्रहण की जो समस्या खड़ी हो गई इसका नतीजा है, इसका परिणाम है वो, इस बात को समझना पड़ेगा। हम चर्चा करेंगे इस पर बात, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। और ये हम जन आंदोलन के थ्रू जैसे आपका जो मंच है वो मंच बहुत व्यापक है, ये इशू लो एजेंडे पे रखो और इस पर यह हमारा दोस्तों मुझे जो कहना था, और खास बात तो मैं इसी बात को चर्चा करने के लिए इस मंच पर आया था, मेरे दोस्त ने जो बताया मुझे कि आप बोल सकोगे क्या, तो मैं बोलूँगा लेकिन मैं ट्राटो सब प्लान और ये तुम्हारा किस बताने पर बोलूँगा, मैंने थोड़ा थोड़ा बात को टारगेट रखा है आपके सामने आपकी समझ